नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 के फुल डीपी शेड्यूल को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके जाननी जरूरी है। हालांकि डीवी की डेट कब से है ये आपको भी पता चल गई होगी, लेकिन उसमें एक चीज़ और भी मेंशन थी जो आपको जानना जरूरी था। वो ये था कि वो बच्चे जो लेवल 6 से मेडिकल छोड़ दिए थे, क्योंकि पहले जब बात हो रही थी, जब फाइनल लिस्ट वगैरह जारी नहीं किया जा रहा था लेवल 6 का, तो उसमें कहा जा रहा था कि मेडिकल में जाना जरूरी है, भले ही आप मेडिकल दो या ना दो, वहाँ पे एक अंडरटेकिंग भरना होगा, इस तरह की चीज़ें थी। तो वो तो चीज़ थी, लेकिन जो बच्चे मेडिकल छोड़ दिए थे, जो गए ही नहीं, अब्सेंट हो गए, जो उनका क्या हुआ, क्या उनका भी रिजल्ट में नाम आया है और क्या उन्हें दोबारा रीमेडिकल के लिए चांस दिया जा रहा है, ये इसमें जानने वाले हैं। दूसरी बात है, लेवल 6 में जो मेडिकल में फेल हो गए थे, यानी A2 स्टैंडर्ड जो था, वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनके लिए क्या दोबारा से यहाँ मेडिकल होगा, या फिर उनको उसी मेडिकल जो पहले हुआ था उसी के बेस पर उन्हें बुला लिया जाएगा डायरेक्टली आफ्टर द मेडिकल जो बच्चे हैं उनका, या फिर इनको दोबारा से बुला करके फिर से सारी चीज़ चेक की जाएंगी और डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ये बातें जाननी जरूरी है, क्योंकि जो लेवल 5 के जो रिजल्ट है उसमें भी अगर कोई छात्र जैसे कि मान लो नहीं जाते हैं लेवल 5 के डीवी में या फिर मेडिकल में, तो जैसे कि मान लो वो लेवल 2 में ऑलरेडी हैं, तो क्या उन्हें लेवल 2 में मौका दिया जाएगा, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि यहाँ पर एक और आरआरबी का पार्ट पैनल रिजल्ट आया हुआ है लेवल 6 का। अभी देखेंगे कौन सा बोर्ड है और अभी तक कुल कितने बोर्ड में रिजल्ट जारी करे जा चुके हैं और कितने बोर्ड के रिजल्ट अभी जारी किए जाने बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे जाननी है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी अपडेट्स है यहाँ पे कंटिन्यू मिलती रहती है, चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, किसी भी तरह का कोई बायस्ड यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीपीसी लेवल 5 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए, आरआरबी चेन्नई ने अपना यहाँ लेवल 5 का डीवी का यहाँ पर लिस्ट जारी कर दिया है। ठीक है, हालांकि आरआरबी चेन्नई बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यही बोर्ड है जहाँ पे सबसे पहले सभी लेवल 5 के जितने भी पोस्ट से उन सबका रिजल्ट दिया गया, उसके बाद जो डीवी है उसको भी एक तरीके से सबसे पहले इन्होंने नोटिस जारी कर दी है और 28 नवंबर से ही यहाँ पर डीवी का जो डेट है, पहला डेट, वो स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर तो अभी तो पार्ट पैनल रिजल्ट भी नहीं आया लेवल 6 का, वहीं एक आध बोर्ड हैं जहाँ पर लेवल 5 में सिर्फ और सिर्फ गुड्स गार्ड का ही रिजल्ट दिया गया है, बट आरआरबी चेन्नई ने सभी पार्ट पैनल रिजल्ट को क्लियर करते हुए लेवल 6 के यहाँ पर लेवल 5 का भी मेडिकल की डेट यहाँ पर जारी कर दी है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी जोन्स को भी चेन्नई बोर्ड से सीखना चाहिए किस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से काम करने से डेफिनेटली स्टूडेंट का जो मोटिवेशन है वो हाई रहता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि 28 नवंबर से यहाँ पर जो है वो डीवी की डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है आरआरबी चेन्नई में। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम तक आपको यहाँ पर उपस्थित होना होता है। दूसरी बात ये बताई जाती है कि आप जो भी मेडिकल में नाम आते हैं छात्रों के, कम से कम 4 से 5 दिन का अपना अरेंजमेंट करके जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर डीवी में उनका अच्छे से हो जाता है तो मेडिकल के लिए उन्हें रुकना पड़ेगा। तो ऐसे में आप अपना अरेंजमेंट करें और बेस्ट ये होता है कि जिस भी डेट में आपका डीवी दिया जा रहा है उसके एक दिन पहले यहाँ पहुँचे, सेंटर पर जाके पता कर लें कि कौन से जगह पर जाना है, कहाँ पर उनका डीवी होने वाला है। इसके बाद 28 को ही यहाँ पर डीवी, दूसरी जो डीवी है वो 1 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है, तो एक दिन में 2 बार डीवी कराई जाएगी, पहली 8 बजे से और दूसरी 1 बजे से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 28 से लेकर के 29-30 ये लगातार डीवी चलने वाला है यहाँ पर, और ये क्रमशः ऐसे ही चलते हुए जा करके नवंबर में ये नवंबर पूरा चला जाएगा। इसके बाद दिसंबर में आप देख सकते हो कि ये 12 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है और जिसकी वजह से ये आप देख सकते हो कि 28 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक लगभग यहाँ पे 12 से 15 दिन का जो समय है वो लगेगा यहाँ पर डीवी में सिर्फ। ठीक है, इसके बाद साथ में उनका मेडिकल भी होता रहता है, तो नॉर्मली 20 उस तक यहाँ पे मेडिकल भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आरआरबी चेन्नई जो है लेवल 5 का जो फाइनल जो पैनल लिस्ट है वो भी दिसंबर के लास्ट तक जारी कर ही देगा। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर लेवल 5 में, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह भी आ चुकी है लेवल 6 की,
तो बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब जो इम्पोर्टेंट नोटिस है ना, वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस में लिखा क्या गया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कि द फॉलोइंग कैंडिडेट हु वर शॉर्टलिस्टेड फॉर लेवल 5 हैव ऑलरेडी अटेंड द डीवी फॉर लेवल 6 एंड कंप्लीटेड द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो लिस्ट में नाम दिए गए हैं ये कुछ छात्रों के, इनके बारे में बताया गया है कि ये ऑलरेडी जो है वो डीवी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं लेवल 6 में, ठीक है। और लेवल क्योंकि उनका हुआ नहीं था इस वजह से लेवल 5 में भी इनका नाम दिया गया है। इसमें लिखा है दे कुड नॉट बी इम्पैनल्ड इन लेवल 6 ड्यू टू अनफिट इन A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ये वो छात्रों के नाम हैं जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट नहीं हुए थे। तो देखिए जो छात्र A2 मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल 6 में नहीं हुए थे उनका देखिए लेवल 5 में ना गुड्स गार्ड में भी नहीं होगा, क्योंकि गुड्स गार्ड में भी यहाँ पर जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ही मांगा गया है। तो हो सकता है ये जो छात्र होंगे इन्हें जो है दूसरी जो पोस्ट है जैसे कि टिकट क्लर्क है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ठीक है, तो ऐसे पोस्ट पे इनको दिया गया है। दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द पोस्ट ऑफ लेवल 5 एज पर देयर मेडिकल फिटनेस, है ना। तो देखिए मेडिकल फिटनेस की बात करें तो लेवल 5 में जो है A2 स्टैंडर्ड मांगा गया है, ठीक, इसके अलावा B1 मांगा गया है, ठीक है, B2 मांगा गया है और C1 भी मांगा गया है। तो जिस भी मेडिकल स्टैंडर्ड में आप आ रहे होगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेरिट में हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका नाम यहाँ पे दिया गया है। एज दिस कैंडिडेट हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड मेडिकल एग्जामिनेशन दिस कैंडिडेट नीड नॉट अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर गो अनदर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर लेवल 5। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है, जैसा कि पहले से ही आप लोग को पता था कि जो भी बच्चे ऑलरेडी लेवल 6 में मेडिकल दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उन्हें दोबारा से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका चेक हो चुका है। तो ऐसे में ये छात्र जिनका नाम आ चुका है वो बस इन्हें ये पता चल जाएगा कि उन्हें लेवल 5 की पोस्ट मिल चुकी है, मेडिकल भी उनका उनके मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें पता ही होगा कि कौन से पोस्ट पे उन्हें मिल गई है। तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है, अब दोबारा जब पैनलिस्ट आएगा लेवल 5 का तो उसमें इन लोगों का भी नाम शामिल किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज है जो बहुत ही अच्छी बात है, लिखा गया है द फॉलोइंग कैंडिडेट हु वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर लेवल 5 हैव ऑलरेडी अटेंड द डीवी फॉर लेवल 6 बट हैव नॉट कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन, है। तो वो छात्र जो डीवी में शामिल हुए थे लेकिन उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं दिया था, तो ऐसे छात्रों के भी नाम यहाँ पे दी गई है। दिस कैंडिडेट हैव रिपोर्ट टू RRB चेन्नई ऑन 12 दिसंबर एट 1 o'clock. He has received the medical memo for the completion of medical examination. तो देखिए ऐसे तीन छात्रों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं जो छात्र डीवी में गए थे लेवल 6 में बट उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन छोड़ दिया था, एक्सेप्ट कर दिया था। ऐसे छात्रों को भी लेवल 5 में दोबारा से मेडिकल के लिए बुलाया गया है 12 दिसंबर को। तो कहीं ना कहीं RRB जो है वो पूरा मौका दे रही है छात्रों को, किसी के साथ भी कुछ ऐसा ना हो कि उन्हें मौका नहीं दिया गया किसी वजह से, अगर वो मेडिकल में शामिल नहीं हो पाए या फिर उनका मेडिकल स्टैंडर्ड कम रह गया। इसी तरीके से ये जो लेवल 5 की जो रिजल्ट है इसमें भी बहुत सारे छात्र होंगे जो लेवल 2 में ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे होंगे, अगर इनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल 5 के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो जरूरी से अगर वो मेरिट में आ रहे होंगे तो लेवल 5 में भी उन्हें मौका, लेवल 2 में भी उन्हें मौका दिया जाएगा, या फिर अगर आप डीवी छोड़ देते हैं लेवल 5 में तो लेवल 2 में भी आपको मौका मिलने का चांस बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अच्छी हैं और इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग लेवल का रिजल्ट दिया जा रहा है, जैसे कि लेवल 6 में पहले रिजल्ट दिया गया, अब लेवल 5 में दिया जा रहा है और उसके बाद इसके नीचे के स्टैंडर्ड्स में लेवल में रिजल्ट दिए जाएंगे। हालांकि चेन्नई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है, बाकी बोर्ड को भी इस तरीके से देना चाहिए रिजल्ट जो कि उम्मीद बाकी सारे छात्र किए रहे हैं। अब चलिए हम दूसरे नोटिफिकेशन की बात करते हैं जिसे मैंने आपको बताया था कि एक और RRB है जहां पर पैनल लिस्ट आ गई है, तो वो है RRB मालदा। देखिए RRB मालदा में यहां पर पैनल लिस्ट जारी की जा चुकी है और उसका लिस्ट यहां पे दिया गया है। देखिए अगर हम बात करें अभी तक कुल RRB जहां पर पैनल लिस्ट जारी करा जा चुका है तो अभी तक कुल 12 RRB जैसे हैं जहां पर पैनल लिस्ट जारी करा जा चुका है, ठीक है। उसमें से आप देख सकते हो कि जैसे कि जितने भी साउदर्न रेलवेज हैं, साउथ के जो रेलवेज हैं बोर्ड हैं वहां पर जनरली जारी करा जाता है, जैसे सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, ठीक है। इसके अलावा इधर की बात करें तो भुवनेश्वर हो गया, फिर से मालदा हो गया, है ना, तो सिलीगुड़ी हो गया, तो ऐसे सभी जोन्स के जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जा चुके हैं।
ऐसे 12 बोर्ड हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी तक 9 बोर्ड ऐसे हैं जो ज्यादातर नॉर्दर्न इंडियन बोर्ड हैं, जो कि रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए हैं। तो ऐसा पता नहीं क्या है यहाँ पर, जहाँ पर रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है। कई कई बोर्ड ऐसे हैं जैसे कि आरआरबी इलाहाबाद, कोलकाता की बात करें तो इन्होंने फाइनल लिस्ट भी जारी नहीं किया है, ना ही टाइमिंग स्टेटस दिया है। तो काफी स्लो ये बोर्ड चल रहे हैं। इनमें से देखिए आरआरबी इलाहाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, इसके अलावा जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो ऐसे कुल 9 बोर्ड शामिल हैं यहाँ पर, जिन्होंने अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी है। तो फिलहाल मालदा बोर्ड में क्या रिस्पॉन्स है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अप्रेंटिस कमर्शियल अप्रेंटिस कैटेगरी नंबर 1 और स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2 ऑफ लेवल 6 का जो पार्ट पैनल रिजल्ट है वो जारी किया है। अब इसमें भी आप देख लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी रिजल्ट आता है तो सभी छात्रों को यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि किसी वजह से मेडिकल में फेल हो गए होंगे या फिर उन्हें रीमेडिकल के लिए बुलाया गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कैटेगरी नंबर 1 कमर्शियल अप्रेंटिस रेलवे की बात करें तो यहाँ पर कुल 13 छात्रों को ही बुलाया गया है, जबकि अगर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा दूं कि आरआरबी मालदा में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जो टोटल पोस्ट है ना वो देखिए 15 है। यहाँ पे देखिए कमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 में टोटल पोस्ट कितनी है, 15 है, जबकि यहाँ पे जो रिजल्ट दिया गया है सिर्फ 13 ही छात्रों का दिया गया है। इसका मतलब दो छात्र ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं दिया गया है, हो सकता है उन्हें मेडिकल इश्यू की वजह से बाहर रखा गया हो या फिर रीमेडिकल के लिए उन्हें दिया गया हो। अगर ये पूरी तरीके से खाली होगी तो दोबारा से पैनल लिस्ट 2 जारी होगा और उसमें कट ऑफ को कम करके छात्रों को बुलाया जाएगा। इस तरीके से अगर आप दूसरे कैटेगरीज की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्टेशन मास्टर में ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो 87 पोस्ट है और साउदर्न ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो 74 पोस्ट है। ठीक है, तब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर साउदर्न ईस्टर्न रेलवे जहां पर 74 पोस्ट है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 66 बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। तो इसका मतलब अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर कुल 8 छात्र ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो उन 8 छात्रों को भी बुला लिया जाएगा। और ये सारी लिस्ट है साउदर्न ईस्टर्न जोन से टोटल 66 छात्रों को बुलाया गया है। वहीं ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं यहाँ पे कुल 81 छात्रों को बुलाया गया है, जबकि यहाँ पर जो टोटल लिस्ट वैकेंसीज है वो 87 है। तो यहाँ पर भी 6 छात्रों को अभी तक नहीं बुलाया गया, उनके नाम नहीं आए हैं। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर ये सीट पूरी तरीके से खाली होती है तो 8 और प्लस 6 बराबर 14 जो सीट है वो अभी तक दोबारा पैनल लिस्ट में जारी किया जा सकता है। हो सकता है ऐसे छात्रों को जो कट ऑफ है उसको कम करके मेडिकल के लिए बुलाया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो लेवल 6 की हैं और मालदा जोन्स में ये आ चुकी है। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है कि आरआरबी जो छोटे आरआरबीज हैं जनरली वो अपना रिजल्ट दे रहे हैं, जबकि जो पॉपुलर आरआरबीज हैं जहाँ पर नॉर्दर्न आरआरबीज हैं वो अपना रिजल्ट देने में देरी कर रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि नवंबर में ही ये सारे बोर्ड्स भी अपना रिजल्ट जारी कर दें और सभी बच्चों का यहाँ पे मतलब जो भी मेरिट में आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे रिजल्ट दिया जा चुके। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी रिलेटेड अपडेट्स हो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।